नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपने पुलिस और गुनेगारों के बीच झड़प के बहुत से मामले सुने होंगे और देखे भी होंगे, जब कुछ पुलिसकर्मी अपने फर्ज को निभाते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर बदमाशों और गुनेगारों को धर दबोचते हैं। लेकिन कभी पुलिसकर्मियों को आपस में झगड़ते हुए देखा है? कभी देखा है कि पुलिसकर्मी एक दूसरे की पिटाई लगा रहे हों? अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको एक ऐसी ही वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल ये खबर राजस्थान की है, जहां पर पुलिस की टीम ने ही पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इस दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट भी की गई और जब इससे भी दल ना भरा तो उन्हें एडिशनल डीसीपी की जीप में बंधक बनाकर रख दिया गया। यहां तक कि आई कार्ड दिखाने और लाख दुहाई देने के बाद भी उनकी एक ना सुनी गई। हालांकि मामला तब ठंडा हुआ जब घंटे भर बाद किसी तरह से मामले में कमिश्नर ने दखल देने से और उन्हें बचाया गया। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ये मामला राजस्थान के भरतपुर का है। बताया गया है कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट एक एडिशनल डीसीपी राजेंद्र खो देर रात 12 बजे के आसपास धौलपुर से लौट रहे थे। कोर्ट में तारीख पेशी से होकर वापस आ रहे थे तो वही रास्ते में मलाबुलिया के आसपास कुछ लोगों के साथ वो शौच करने के लिए गाड़ी से उतरे। इसी बीच वहां पर एक पुलिस की वाहन आई और उसी में से कुछ पुलिस वालों ने निकलकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। जवाब में एडिशनल डीसीपी की ओर से कहा गया कि वो भी पुलिस वाले हैं और उनसे जरा सभ्यता से बात की जाए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। इस मामले में आरोप है कि पुलिस वालों ने एडिशनल डीसीपी से इसके बाद बदतमीजी की और जीप में जबरन बैठा लिया गया। करीब एक घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। गाड़ी में उनके साथ मारपीट भी की गई, थाने ले जाने की कोशिश भी की गई। हालांकि बाद में खुद को कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने किसी तरह से बचा लिया। जयपुर के कमिश्नर ने मौके पर एसपी को भेजा, जिसके बाद एसपी ने माफी मांगी। शिकायत डीजीपी से भी की गई थी, लेकिन देर रात पीड़ित एडिशनल डीसीपी की डीजीपी से बात ना हो सकी। घटना के बाद पीड़ित एडिशनल डीसीपी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि पुलिस कमिश्नर ना बचाते तो ये वर्दीधारी गुंडे मुझे गोली मार देते और शायद थाने में रात भर पीटते भी रहते। वहीं इस मामले पर एसपी की ओर से कहा गया कि एडिशनल डीसीपी नशे में धुत थे, वे इस दौरान वर्दी उतारने की धमकी दे रहे थे। वहीं आपको यह भी बता दें कि जहां की यह वारदात हुई है, जहां यह घटना घटी है, वो इलाका रेड लाइट एरिया से लगता हुआ है। गश्त के दौरान पुलिस वहां आने वाले लोगों पर एक्शन भी लेती रहती है, साथ ही वो नेशनल हाईवे से लगता हुआ क्षेत्र भी है। तो अब मामले की छानबीन चल रही है। अब गलत कौन है और सही कौन, ये तो मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।